बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों अभी अभी मेरे पास एक न्यूज़ आई है फ्लाई दुबई और एमिरेट्स के हवाले से और विज़िट वीज़े के हवाले से, कि जो लोग विज़िट वीज़ा पर यूएई आना चाहते हैं, मीन दुबई, शारजा, अबू धाबी, अजमान, फुजैर, रस अल खैमा, जो भी स्टेट में, एमिरेट्स स्टेट में आप लोग आना चाह रहे हैं, तो फ्लाई दुबई और एमिरेट्स ने ऐलान किया है कि वो लोग विज़िट वीज़ा ले सकते हैं और टिकट्स भी बुक कर सकते हैं इन दो फ्लाइट्स के थ्रू, एमिरेट्स एयरलाइन और फ्लाई दुबई के थ्रू। लेकिन उन्होंने एक शर्त बोली है, जो शर्त वो शर्त ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से कहीं से भी आना चाह रहा है, तो जो उसका उनका उस आदमी का कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला यहाँ पे होना, यूएई में आना होना ज़रूरी है, लाइक अबू धाबी में, शारजा में, फुजेरा, कहीं पे भी उनका जानने वाला है, वो बंदा यहाँ पे होना चाहिए। और वो क्या कर उस बंदे ने क्या करना है, अगर आपने आना है उस बंदे से, अपना जो आपका रिलेटिव या जानने वाला है, दोस्त कोई भी है, आप उससे कांटेक्ट कीजिए, वो उनके ऑफिस में एयर ब्लू सॉरी इसके फ्लाई दुबई और एमिरेट्स के एयरलाइन में जाके एक बार कंफर्म कर ले कि हमें विज़िट वीज़ा चाहिए और फलान डेट को चाहिए या टिकट भी बुक करनी है। तो फ्लाई दुबई और एमिरेट्स एयरलाइन वालों ने एक शर्त रखी है, वो शर्त ये है, जो आदमी अपनी गारंटी पे आदमी को बुलाएगा, मतलब कंट्री से यूई में, वो दोनों फ्लाइट्स फ्लाई दुबई और एमिरेट्स वाले उसका एमिरेट्स आईडी का कॉपी अपने पास सेव कर लेंगे, जस्ट फॉर द गारंटी कि वो आदमी आएगा और विद इन जो उसका पीरियड है, लाइक 1 मंथ के लिए आ रहा है तो 1 मंथ में ही वो लीव कर जाएगा यूई को, अगर वो 3 मंथ्स के लिए आ रहा है तो 3 मंथ्स के लिए ही यूई लीव कर जाएगा। हाँ, अगर उसकी जॉब हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगवा सकता है। फिर जो जिस आदमी ने गारंटी ली है, उसकी कुछ भी गारंटी नहीं है, उसका कुछ भी उससे कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिकली कैंसिल।